अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू भारत फैमिली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों को चिकन सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वेट लॉस मैंने बताया था कि आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो ये मैंने देखिए बोनलेस चिकन लिया है 150 ग्राम। इसको मैं कुकर में बना रही हूँ। और ये टमाटर लिए हैं 3 धोकर रखे मैंने, ये छोटे हैं इसके लिए मैंने 3 लिए हैं। अगर बड़े हैं तो आप 2 ले लो। और इसको रफली इस तरह से चॉप करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसमें डालेंगे। मैं कुकर में बना रही हूँ, आप बिना कुकर के भी बना सकते हैं। और एकदम हेल्दी सूप है ये, बिना ऑयल के, और बहुत मज़ेदार बनता है। ऐसा नहीं इसमें कुछ नहीं ज़्यादा मसाले डालते हैं तो टेस्टी नहीं बनेगा, ये टेस्टी बनता है। आप लोग ट्राई करके देखना। तो मैंने टमाटर इसमें कट करके डाल दिए और इसमें 1 टीस्पून में अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालूंगी। अब अदरक लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं, उससे और टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन अभी मेरे पास पेस्ट था तो मैंने पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। और इसको आप लोग डिनर में लंच में ले सकते हैं, मैं इसको डिनर में लेती हूँ ज़्यादातर। और आप लोग इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये कैसा लगा। आप लोग बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, आप बच्चों को भी दे सकते हैं। और देखें 2 चुटकी जितना मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, मैंने तकरीबन 1.5 गिलास इसमें पानी डाला है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और इसको कुकर की सीटी लगाएंगे। 2 सीटी लेना है इसको। चिकन भी अच्छा सा हमारे से गल जाएगा, टमाटर वगैरह गल जाएंगे। और बाद में इसमें हम लोग इसको पीस कर लेना है, चिकन को अलग से निकालेंगे और इसको पीस कर देंगे। इसके आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आप लोग इसको लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में ही ले सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह नहीं जाता है। और दूसरा सब्जियों के साथ भी बनता है चिकन सूप, मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताऊंगी। अब इसको पकने देते हैं। ये देखिए इसको 2 सीटी हो गए, तो मैंने गैस बंद कर दिया, इसको उतार दिया है। तो इसमें से हम लोग चिकन निकालेंगे इस तरीके से, चिकन अच्छे से गल चुका है। और टमाटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए इस तरह से गल चुके। अब इसको थोड़ा ठंडा होकर आप मिक्सर में डालो, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है उससे आप इसको अच्छे से मैश करके ले लो पीस कर। तो चलिए इसको मैं पीस कर लेती हूँ और चिकन को हम लोग रेशे करके लेंगे। ये देखिए ये गर्म ही है अभी, और मैंने हैंड ब्लेंडर लिया है, इससे मैं इसको इस तरह से पीस कर दूंगी। देखिए मैंने इसको पीस कर लिया है, इस तरह से हो गया है पतला। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून ओट्स डालेंगे, इससे टेस्ट भी आएगा, ओट्स हेल्दी है और गाढ़ा भी हो जाएगा। और ज़्यादा गाढ़ा नहीं इसको बनाना है। और ये चिकन को मैंने चॉपर में डाल के बारीक बारीक चॉप करके लिया, ये भी इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पका कर लेंगे। देखिए मिक्स हो गया, अब इसको पकने के लिए रखेंगे। ये देखिए ये पकने रख दिया मैंने, अब इसको थोड़ा चलाते हुए पकाएंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वाला सूप मैं ऐसे ही बनाती हूँ और अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है और पेट भी फुल होता है। और एक बाउल लेना है, ज़्यादा छोटा जो नॉर्मल प्याला होता है वो एक भर कर लेंगे। और मैंने आपको बता दूं कि मैंने अभी 2-2.5 महीने हो गए मैंने डाइट शुरू किया है, क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। और फिर जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा ही था कि
वेट लॉस करना अब जरूरी है और मुझे हेल्थ इश्यू भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बीपी है, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, तो उस वजह से मैं ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन वॉकिंग ज़रूरी है, मैं वॉकिंग करती हूँ। और डाइट तो माशाल्लाह मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है वेट में, तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। तो आगे भी मैं आप लोगों से शेयर करते रहूँगी कि मैं लंच में क्या लेती हूँ और ब्रेकफास्ट में क्या लेती हूँ, और मुझे धीरे धीरे ही कम करना है। फास्ट अगर आप करना चाहते हैं तो एकदम आप लोग बिल्कुल भी रोटी नहीं खा सकते, लेकिन मैं, मेरे हेल्थ के इतने सारे इश्यू है, तो मैं आराम आराम से अपना वेट लूज कर रही हूँ। तो दोपहर में मैं रोटी इसकी जवारी की मैं एक रोटी लेती हूँ, बाकी पूरा टाइम रोटी चावल। तो फिर सबसे पहले आप लोगों को मीठा बंद करना है, चावल बंद करने, मीठे से बहुत वेट बढ़ता है, तो मीठा सबसे पहले बंद करना है, और चावल और फ्राई चीज़ें और बेकरी के सारे चीज़ें मैदे से जो बनते हैं ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लेना है, उससे आपका वेट अच्छे से कम हो जाएगा। तो देखिए इसको उबाल आना शुरू हो गया है, इसको पकने देते हैं 5 मिनट ताकि ओट्स हमारे अच्छे से गल जाए। आप नाश्ते में ओट्स बनाकर खा सकते हैं, ओट्स बहुत हेल्दी रहता है, उसमें फाइबर बहुत रहता है, तो ओट्स मैं भी ज़्यादातर ओट्स खाती हूँ तो नाश्ते में, और दोपहर में जो भी सब्जी बनती है घर में और एक रोटी खाती हूँ। ये देखिए इसको उबाल आना शुरू हो गया, तो गैस का फ्लेम हम लोग मीडियम करेंगे और इसको पकने देते हैं। ये देखिए अच्छे से पक चुका है, और इसको पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, और पतला ही सूप पीने में अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से इतना पतला रखा है मैंने। और चिकन आप बोनलेस लेंगे तो आप सीने का ले लो, ब्रेस्ट पीस, उसमें फैट नहीं रहता है। अब इसमें हरा धनिया डालूंगी, हरा धनिया भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं ज़्यादा हरा धनिया यूज़ करती हूँ। अब हम इसमें आधा नींबू निचोड़ेंगे, आप लोग तो जानते होंगे नींबू के फायदे, अगर किसी किसी को नींबू सूट नहीं करता है तो आप लोग मत ले लो, लेकिन नींबू वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है और इसमें टेस्ट बढ़ाता है सूप का। अब इसको 1 से 2 मिनट और पका कर लेंगे। ये सूप हमारा अच्छे से पक चुका है, अब गैस को बंद करती हूँ और मैं आपको बता दूँ सर्व करके कितना बड़ा बॉल लेना है। तो देखिए ये मैंने प्याला लिया, इस तरह से जो प्याला आता है, प्याला बोलते हैं, बॉल बोलते हैं इसको, आप ज्यादा बनाकर भी रख सकते हैं फ्रिज में 2-3 दिन के लिए, क्योंकि कोई भी एक टाइम पर आप ले लो, दोनों टाइम पर सूप पिया नहीं जाएगा, आप लंच में या डिनर में ले सकते हैं, लेकिन डिनर में बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए ये हमारा सूप रेडी है, बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगता है। आप थोड़ी सी काली, अगर तीखा आप चाहते हैं तो थोड़ी सी काली मिर्च इस पर डाल सकते हैं। ये देखिए सूप बनके तैयार है, इतना मज़ेदार दिख रहा है और पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ये ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये मेरी सूप की रेसिपी, वेट लॉस सूप की रेसिपी कैसी लगी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, तो चलिए अल्लाह हाफिज़।